इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हल्की बारिश के बाद ही ये जाम की स्थिति बन गई। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कालिंदी कुंज पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर को लेकर के भी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर भी जाम की स्थिति है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, ये बड़ी खबर। लगातार बारिश और उसके बाद जलजमाव, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर ये कहा जा रहा है कि जाम लगा हुआ है। ऐसी ही तस्वीर अलग अलग बॉर्डर की दिखाई दे रही है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हल्की सी बारिश और बारिश के बाद ये जाम की तस्वीरें, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर ये तस्वीर सामने आ रही है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कालिंदी कुंज को लेकर के भी खबर आ रही है कि यहाँ पर भी करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और चिल्ला बॉर्डर को लेकर के भी जानकारी है कि यहाँ पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।